बिहार में इन दिनों शासन सवालों के घेरे में है। 24 घंटे में राज्य के अलग अलग इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो नीतीश के लिए चुनाव में बड़ी परेशानी बन सकती हैं। बीते 24 घंटे की ये चार तस्वीरें बिहार में सुशासन की पोल खोल रही हैं। सबसे हैरान और परेशान करने वाली खबर सारण जिले की है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल समेत 6 लोगों को छात्रा से रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और संस्थापक भी हैं, उनके लड़का और कुल 19 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें कुल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर महीने से प्रिंसिपल, 2 शिक्षक और 15 छात्रों ने मिलकर छात्रा के साथ रेप किया। आरोपी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। पहले पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन बड़े अफसरों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस की नींद खुली। पुलिस की नाकामी की ये दूसरी तस्वीर गोपालगंज की है। इस परिवार में मातम इसलिए है क्योंकि 4 साल के मासूम की अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई। घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने शिकायत पर गौर नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि मासूम की हत्या कर दी गई। लोग समझ नहीं पा रहे कि नन्ही सी जान की किसी से क्या दुश्मनी थी। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। सिस्टम को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर पटना जिले के बाढ़ की है। इस बाढ़ से कभी नीतीश कुमार सांसद हुआ करते थे, लेकिन विकास का ढिंढोरा पीटने वाले नीतीश के इस इलाके में विकास मानो छलावा बनकर रह गया है। देखिए कैसे एक परिवार 13 साल के बच्चे के शव को बाइक पर लेकर जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए परिवार को बाइक पर ही शव ले जाना पड़ा। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कटिहार में महिलाओं से पैर छुआ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पार्टी की बैठक कर रहे हैं। जिन्हें सिस्टम का संज्ञान लेना चाहिए उन्हें चिंता ही नहीं, यही वजह है कि सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश की सरकार को घेर रहा है। देखिए पिछले आप 2-3 महीनों में देखेंगे तो बिहार में इस तरह की घटनाओं में जैसे लगता है बाढ़ सी आ गई है और लबोलबाव ये है कि लोगों को कानून का खौफ अब रहा ही नहीं, लगता ही नहीं कि बिहार में कोई सरकार नाम की चीज भी है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बिहार में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। यहाँ निरंकुश राजा हो गए हैं, प्रशासन निरंकुश हो गई है, इनसे स्टेट संभाल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चौपट है, यहाँ पे मनमानी हो रही है, प्रशासन से डर खत्म हो गया है। कल ही नीतीश के गृह जिले नालंदा में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या करके भाग रहे अपराधी को लोगों ने घेर कर पीटा और छत से फेंक दिया। बाद में लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये वो घटनाएं हैं जिसने बिहार में सुशासन को शर्मसार कर दिया है। सवाल ये है कि किस मुंह के साथ नीतीश और बीजेपी वाले बिहार में वोट मांगने जाएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में बीजेपी भी सत्ता में साझेदार है, इसीलिए सुशासन पर ये जो सवाल उठ रहे हैं इसका नुकसान बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए आज का चुनावी मीटर तो ये कहता है कि बिहार में ऐसा होता रहा तो फिर मोदी को नुकसान होगा और राहुल गांधी को फायदा होगा। वैसे आपको बता दें 40 में से 33 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।